Hello students, welcome to all of you on India's largest online learning platform that is Unacademy. और आज आप सब बच्चों से मैं जुड़ रहा हूँ बेटा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन के साथ, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। जैसे कि मैंने आप बच्चों को लास्ट टाइम भी बताया था कि आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ जुड़ेंगे एंड दैट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज अबाउट द साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन आपके सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चे, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको इसके बेसिक समझने हैं, आपको पूरे अच्छे तरीके से साइक्लोट्रॉन को समझना है, ठीक है। अब देखो बेटा, यहाँ पे अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करना, जितने अच्छे तरीके से आप समझ सकते हैं उतने अच्छे समझने की कोशिश करोगे। याद नहीं करना बेटा, रट्टा नहीं मारना किसी बच्चे को। देखो हमारे फिजिक्स में क्या है बेटा कि पूरे चैप्टर्स में, अगर हम पूरे 14 टू 15 चैप्टर्स की बात करें तो पूरे चैप्टर्स में तकरीबन हम बात करें मेरे बच्चे तो नहीं करीबन तो 10 से 12 डिवाइसेस हैं। और हमारे सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में इन 10 से 12 डिवाइसेस में से कोई एक डिवाइस आपके पेपर में जरूर आता है। प्लीज कीप इन माइंड गाइस, जो आपका 10 से 12 डिवाइसेस है, उस 10 से 12 डिवाइसेस में से कोई एक डिवाइस आपके पेपर में कंफर्म आता है। तो सो प्लीज आप दिमाग में नोट करें इस बात को और साइक्लोट्रॉन को अच्छे से पढ़ें। देखो बेटा, साइक्लोट्रॉन को स्टार्ट करने से पहले मैं बच्चों को बता दूं कि आप अपने क्लास 11th और 12th एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए जुड़ सकते हैं इंडिया के लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी के साथ। और अनअकैडमी आपको क्या क्या बेनिफिट देता है मेरे बच्चे, इसके बारे में बताने से पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कर दूं। माईसेल्फ निकू कुमार मिश्रा और मैंने अपनी एमएससी कंप्लीट की इन फिजिक्स, और मैं तकरीबन 7 ईयर से सीबीएसई और नीट के स्टूडेंट्स को फिजिक्स पढ़ाता आ रहा हूं। नेक्स्ट हम बात करें मेरे बच्चे, तो यहां पर आपको क्लास अपने सीबीएसई एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए आपको यहां पर एक सब्सक्रिप्शन आपको लेना होगा। और इस सब्सक्रिप्शन के साथ आपको क्या बेनिफिट मिलता है मेरे बच्चे, उस बेनिफिट के बारे में आप बच्चों से बात करूंगा। पहली बेनिफिट आपको यहां पर डेली लाइव क्लासेस की मिलती है, यहां पर आपको डेली लाइव क्लास का ऑप्शन होगा बेटा। अब यहां पर एजुकेटर्स के साथ मैं बार बार रिपीट करूं, डेली लाइव क्लासेस, यहां पे आपकी क्लासेस डेली होंगी। और अब इस डेली लाइव क्लासेस के दौरान आप अपने एजुकेटर्स के साथ चैट्स के थ्रू अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, आप अपने क्वेश्चंस को रेज कर सकते हैं बेटा। लाइव टेस्ट और क्विज आपको यहां पर, लाइव टेस्ट और क्विज का आपको यहां पर ऑप्शन मिलता है। रेगुलर आपका लाइव और रेगुलर आपका मॉक टेस्ट, ये आपके परफॉर्मेंस को एनालाइज करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बेटा, जो आपको अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के थ्रू मिलता है। यहां पर आपको जो कोर्स है बेटा वो आपको स्ट्रक्चर वे में मिलेगा। स्ट्रक्चर कोर्स का मतलब यहां पर ये कि आपका जो पूरा सिलेबस है मेरे बच्चे वो आपको एक लाइन में मिलता है मेरे बच्चे। आपको सिलेबस के लिए भटकना नहीं पड़ता कि मुझे कौन सा पार्ट कहां से कंप्लीट करना है, यहां पर एंटायर सिलेबस आपको एक लाइन में मिलती है मेरे बच्चे, है ना। और अब उस पूरे सिलेबस को आप देख सकते हैं कब कौन सा सिलेबस होगा जो आपके प्रिपरेशन को और भी ज्यादा बेटर बनाता है। आपको यहाँ पर अनलिमिटेड एक्सेस का ऑप्शन मिलेगा, मतलब कि आप एक सब्सक्रिप्शन के थ्रू जितने भी, मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूं, जितने भी लाइव और जितने भी रिकॉर्डेड कोर्सेस हैं आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं। अनलिमिटेड एक्सेस मींस कि एक सब्सक्रिप्शन के थ्रू जितने भी रिकॉर्डेड और जितने भी लाइव क्लासेस हैं वो सब आप अटेंड कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करें बेटा, तो आपको यहां पर फ्री लाइव क्लासेस का ऑप्शन मिलेगा। आप यहां पर फिजिक्स के साथ आपको हर इंडिविजुअल सब्जेक्ट के लिए इनरोलमेंट करने की जरूरत नहीं होती है आपको। आपको यहां पर एक सब्जेक्ट के साथ सारे सब्जेक्ट आपको यहां पर फ्री मिलते हैं। फिजिक्स के साथ आपकी केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, बायो, जो भी सब्जेक्ट आपके कोर्स के लिए है वो सब आपको यहां पर फ्री मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करें बेटा, तो यहां पर आपको टॉप एजुकेटर्स मिलेगा बेटा। आपके पास मिनिमम 20 to 30 top educators आपको यहां पर मिलते हैं किसी एक कैटेगरी में, है ना। किसी एक कैटेगरी में बात करें तो आपको तकरीबन 20 टू 30 टॉप एजुकेटर्स हैं। आप सभी टॉप एजुकेटर की क्लास ले सकते हैं और जिससे आपको ज्यादा पसंद आता है, जिसकी क्लास आपको अच्छी लगती है, आप उसकी क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करें मेरे बच्चे, तो आपको यहां पर कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस का ऑप्शन मिलता है। यहां आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, आपको सबके कोर्सेस मिलेंगे। आपको यहाँ पर सारे कोर्सेस मिलेंगे बेटा, फिजिक्स के भी, केमिस्ट्री के भी और मैथ्स के भी। नेक्स्ट हम बात करें बेटा, करना क्या आपको इसके लिए यार, तो बड़ा बेसिक छोटा सा काम है। आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, ठीक है।
फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर, गूगल प्ले स्टोर पे जाएं और अनअकैडमी लर्निंग आपको डाउनलोड करें। और अनअकैडमी लर्निंग आपको डाउनलोड करने के बाद आपके पास आता है बेटा सब्सक्रिप्शन का प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पर आपके पास देखेंगे तो आपके पास 1 मंथ, आपके पास 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ और 24 मंथ, ये आपके पास 4 ऑप्शन है, ये 4 ऑप्शन है। मैं बच्चों बताऊंगा कि आपको इनमें से जो ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं, आप इनमें से उस ऑप्शन सेलेक्ट करें जो आपके लिए इकोनॉमिक बेनिफिट भी हो और आपका कोर्स बेनिफिट भी हो। अगर हम कोर्स बेनिफिट की बात करें मेरे बच्चे, तो पहले से पहले मैं आपको इकोनॉमिक बेनिफिट बता दूं। यहां पर आप देख पा रहे हो 1 मंथ के लिए आपको कितना पे करना पड़ रहा है, तो 1 मंथ के लिए आपको पे करना पड़ रहा है बेटा, 1 मंथ के लिए आपको पे करना पड़ रहा है 25,099, है ना, आपको 2,599 पे करना पड़ता है 1 मंथ के लिए। लेकिन अगर आप यही कोर्स अगर आप कितने के लिए लेते हैं बेटा, 24 मंथ के लिए, तो आपको पे करना पड़ रहा है 1,163। इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस, 1 मंथ के लिए 2,599 और यही आपको 24 मंथ की बात करें तो 24 मंथ के लिए आपको यही पे करना पड़ता है बेटा 1,163। इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस यार, बहुत बड़ा डिफरेंस है। इसके अमाउंट पर हम बात करें तो ये अमाउंट में बहुत बड़ी डिफरेंस है। तो मैं अनडाउटली आपको कहूंगा कि इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से यार अब कंफर्म 24 मंथ के लिए मूव करें एज कंपेयर टू द 1 मंथ। कोर्स बेनिफिट की बात करें बेटा, तो कोर्स बेनिफिट आपको मिलता है कि आप अनअकैडमी के साथ जितने लंबे टर्म के लिए जुड़ेंगे, जितने लॉन्ग टर्म के लिए आप अनअकैडमी के साथ जुड़ते हैं, आपको उतना ही ज्यादा बेनिफिट होता है। 1 मंथ में कोई भी कोर्स कंप्लीट होगा नहीं, 1 मंथ में जो भी कोई भी कोर्स प्लान है बेटा उसमें लेशन, रिविजन, मॉक टेस्ट, नंबर ऑफ टर्म्स आ रहे हैं। तो आप अगर अनअकैडमी के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप जितने लॉन्गर टाइम के लिए जुड़ेंगे बेटा, आपके लिए उतना ही आपका कोर्स बेनिफिट भी है और इकोनॉमिक बेनिफिट तो आप देख ही रहे हैं। इसके बाद बेटा आप पे को प्रोसीड करने से पहले आप मेरे रेफरल कोड का यूज कर सकते हैं, मेरे रेफरल कोड का यूज कर सकते हैं बेटा। मेरा रेफरल कोड है मिश्रा, आप इस रेफरल कोड को यूज करें और इस रेफरल कोड को यूज करने के बाद आपको इंस्टेंट आपका जो भी टोटल अमाउंट है उस टोटल अमाउंट में 10% का आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिलता है। जो भी आपके पास टोटल अमाउंट है उस टोटल अमाउंट में आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलता है मेरे बच्चे। सो लेट्स क्रैक योर एग्जामिनेशन विद इंडियाज लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म दैट इज अनअकैडमी। अपने एग्जामिनेशन को आप क्रैक करें बेटा, क्लास 11 एंड 12 एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हैं इंडिया के लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी के साथ। अब हम स्टार्ट करते हैं मेरे बच्चे आज का जो हमारा सेशन है, आज का जो हमारा इंपॉर्टेंट सेशन है, दैट सेशन इज अबाउट द वर्ड, दैट सेशन इज अबाउट द साइक्लोट्रॉन, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंटेंट ऑफ सीबीएसई। सीबीएसई का बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है मेरे बच्चे, इसको समझने का बहुत अच्छे तरीके से आप कोशिश करेंगे। साइक्लोट्रॉन जो आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में कंफर्म आता है मेरे बच्चे, मैंने आपको बताया बार बार कि देखो यार पूरे 12th में, पूरे अगर हम सीबीएसई 12th की बात करें तो 12th में कई सारे चैप्टर्स हैं यार, कई सारे डिवाइसेस हैं, ठीक है, नंबर ऑफ चैप्टर्स, नंबर ऑफ डिवाइसेस हैं। मैं आपको बताऊंगा कि जितने भी डिवाइसेस हैं उन सभी डिवाइसेस में से कोई एक डिवाइसेस तो पेपर में आता ही आता है। पोटेंशियोमीटर है, मीटर ब्रिज है, साइक्लोट्रॉन है, आपका गैल्वेनोमीटर है, आपका एसी जनरेटर है, नंबर ऑफ डिवाइसेस जो आपके सिलेबस में है और जितने भी आपके डिवाइसेस हैं उन डिवाइसेस में से एक डिवाइसेस तो पेपर में आना ही आना है और साइक्लोट्रॉन इसमें से ज्यादा चांसेस रखता है बेटा। इस साल आपके सिलेबस में नहीं है, मैं बच्चों को बता दूं कि इस साल साइक्लोट्रॉन आपके सिलेबस में नहीं आ रहा, लेकिन नेक्स्ट ईयर आपका जो साइक्लोट्रॉन है, ठीक है, नेक्स्ट ईयर तो ऐसा नहीं होगा यार, होपफुली सब कुछ बढ़िया हो जाएगा हमारे देश में, ठीक है, तो नेक्स्ट ईयर जैसा सीबीएसई का सिलेबस है वो वैसा ही रहेगा। तो नेक्स्ट ईयर के आप पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी जो कंपटीशन एग्जाम है यार वहां पे ऐसी कोई डिडक्शन नहीं हुई है, कंपटीशन एग्जाम में तो यार वो आना ही आना है। तो आप सभी बच्चों को साइक्लोट्रॉन समझना है, बहुत अच्छे तरीके से आप साइक्लोट्रॉन को समझें, कहीं भी डाउट हो मुझे बताएं। देखिए बेटा साइक्लोट्रॉन है क्या, जब भी कोई डिवाइस की बात आती है ना यार, जब भी किसी डिवाइस के बारे में बात करते हैं, एक बार इसके फॉन्ट को थोड़ा कम कर दो, देखो बेटा एक मिनट, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, जरा डॉट काम नहीं हो रहे, एक मिनट जस्ट वेट बच्चों।
जस्ट वेट, मैं चेंज करने की कोशिश तो कर रहा हूं बट जो फॉन्ट साइज है वो एक्चुअल में चेंज हो नहीं रहा, तो वो देखता हूं मैं करके। तो देखो बेटा, जो मेन हमारा आज का जो कंसर्न है दैट इज अबाउट द साइक्लोट्रॉन, दैट इज अबाउट द साइक्लोट्रॉन। बड़ा मजेदार कंटेंट है सर। तो सुनना बात को ध्यान से बेटा, सबसे पहले इस बात को समझने की कोशिश करें कि यार साइक्लोट्रॉन है क्या, क्या है यार साइक्लोट्रॉन। तो साइक्लोट्रॉन एक डिवाइस है यार, साइक्लोट्रॉन एक डिवाइस है जो चार्ज पार्टिकल को एक्सलरेट करने में काम आती है। साइक्लोट्रॉन क्या है तो सुनो अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे से सुनना बेटा कि व्हाट इज द साइक्लोट्रॉन बेसिकली। तो साइक्लोट्रॉन एक डिवाइस है यार जिसका यूज जो है, एक बार यार इसके फॉन्ट मैं कम कर लूं, यार इसके फॉन्ट कम नहीं हो रहे, एक बार जल्दी से देखता हूं मैं क्या इशू है। अब सही हो गया ये सब कुछ। अब देखिए, अब शुरू करते हैं सर। देखिए तो साइक्लोट्रॉन क्या पहले समझते हैं। अब देखो ये सारी प्रॉब्लम दूर हो चुकी है, अब हम स्टार्ट करते हैं मेरे बच्चे, ठीक है। लेट्स क्रैक द कंटेंट ऑफ द साइक्लोट्रॉन ऑफ द क्लास सीबीएसई 12 एग्जामिनेशन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सीबीएसई क्लास 12 का जो सबसे इंपॉर्टेंट कंटेंट है उसको क्रैक करते हैं मेरे बच्चे। जल्दी से देखो यार, कुछ डिस्टर्बेंस हुई थी, फॉन्ट चेंज नहीं हो रहा था, अब फाइनली जाकर फॉन्ट चेंज हुआ है, तो अब हम स्टार्ट कर सकते हैं कंटेंट को मेरे बच्चे। देखिए साइक्लोट्रॉन की बात कर रहे हैं सर, बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है सर, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो साइक्लोट्रॉन क्या है पहले इसको समझने की कोशिश करो, क्या साइक्लोट्रॉन क्या है। तो मेरे बच्चों साइक्लोट्रॉन एक डिवाइस है जो चार्ज पार्टिकल को एक्सलरेट करती है। आपको रिपीट कर रहा हूं कि यार साइक्लोट्रॉन क्या है, व्हाट इज अ साइक्लोट्रॉन। तो साइक्लोट्रॉन एक डिवाइस है जो चार्ज पार्टिकल को एक्सलरेट करती है टू वेरी हाई स्पीड। साइक्लोट्रॉन एक डिवाइस है जो चार्ज पार्टिकल को एक्सलरेट करती बेटा एट वेरी हाई स्पीड। तो मेरे माइंड में क्वेश्चन आता है कि क्या सर साइक्लोट्रॉन, चलो मैं मान गया कि साइक्लोट्रॉन एक डिवाइस है जो चार्ज पार्टिकल को एक्सलरेट करने में काम आती है, चलिए ठीक है। क्या सर साइक्लोट्रॉन ही मात्र ऐसी डिवाइस है क्या, कोई और ऐसी डिवाइस नहीं है जो चार्ज पार्टिकल को एक्सलरेट करने में काम आती है, क्या कोई ऐसी और डिवाइसेस भी हैं? तो आंसर यार डेफिनेटली यस, साइक्लोट्रॉन के अलावा भी और भी डिवाइसेस हैं जो चार्ज पार्टिकल को एक्सलरेट करती है। यार हम जब एक इलेक्ट्रिकल सेल को जब हम एक कंडक्टर के थ्रू कनेक्ट करते हैं तो कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है बेटा वो एक्सलरेट होती है, मानते हैं इस बात को। अगर तुम मान लो कि आप मान लीजिए ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मैं किसी प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल को रख दूं तो अनडाउटली ये चार्ज पार्टिकल क्या करेगा बेटा, एक्सलरेट करेगा। अगर मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मैं इस प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल को प्लेस करता हूं तो नो डाउट कि ये पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सलरेट होगी, मानते हैं इस बात को। तो यार एक्सलरेट तो यहां भी हो रहा है मेरे बच्चे, लेकिन यहां पर ये जो एक्सलरेटर आपका है ये एक्सलरेटर आपका लीनियर एक्सलरेटर है भाइयों, ये आपका क्या है मेरे बच्चे, ये आपका लीनियर एक्सलरेटर। यहां पर भी चार्ज पार्टिकल एक्सलरेट हो रही है बट वो एक लाइन में एक्सलरेट हो रही है मेरे बच्चे। यहां से अगर मैं इस चार्ज पार्टिकल को रेस्ट पे, तो यू इक्वल टू जीरो, इसको मैंने रेस्ट पे यहां पे छोड़ दिया भाई,
है ना। तो अगर मैं इसको रेस्ट से रिलीज करूंगा तो अनडाउटली इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, बट दुख की बात यह है कि काइनेटिक एनर्जी वहीं तक बढ़ेगी जहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड है। सिंपल है यार, ये काइनेटिक एनर्जी बढ़ती यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड है तो मेरे बच्चे आपकी इसकी काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट तक इंक्रीज होगी। इसका मतलब जितने लॉन्गर टाइम या जितना ये लॉन्गर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, यहां पर एक इक्वेशन यूज करें v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो जितने लॉन्गर टाइम तक ये इलेक्ट्रिक फील्ड में रहेगा मेरे बच्चे, उतनी ही वेलोसिटी ये क्या करेगा, गेन करेगा। मानते इस बात को, अगर मुझे लॉन्गर टाइम तक इसे फील्ड में रखना है तो अनडाउटली मुझे इसे लॉन्गर डिस्टेंस भी चलाना होगा। इसमें नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है कि अगर आप इसे एक्सलरेट करना चाहते हैं, जैसे आप लॉन्गर टाइम के लिए एक्सलरेट करना चाहते हैं मेरे बच्चे, अनडाउटली लॉन्गर पाथ चलानी पड़ेगी, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी लंबी रखनी पड़ेगी मेरे बच्चे। तो यार इसके लिए आपको बहुत बड़ी लेंथ चाहिए, है ना। अगर आप एक्सलरेट करना चाहते हैं पार्टिकल को तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत बड़े डिस्टेंस तक लगाना होगा मेरे बच्चे। ये पॉसिबल नहीं है इतनी हाई स्पीड, यहाँ पे एक्सलरेशन तो होगा बट जिस हाई स्पीड की डिमांड मुझे होगी बेटा, उस हाई स्पीड तक पहुंचने के लिए आपको पाथ लॉन्गर चलना पड़ेगा मेरे बच्चे। जितना ज्यादा लॉन्गर पाथ आप चलेंगे, लीनियर एक्सलेटर की बात यही है, जितना आपका पाथ लॉन्गर होगा मेरे बच्चे आपकी वेलोसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। ये बात इस फैक्ट पे, ये आपका लीनियर एक्सलरेटर है। तो यार ये जो चीज है मेरे बच्चे, मैं इसमें भी चार्ज पार्टिकल को एक्सलरेट कर सकता हूं, लेकिन साइक्लोट्रॉन साइकिल है ना, यहां पर देख रहे हैं साइक्लोट्रॉन साइकिल की बात कर रहे हैं सर आप। साइक्लोट्रॉन एक ऐसी डिवाइस है जो इलेक्ट्रॉन को या किसी भी पार्टिकल को, सॉरी मैं इलेक्ट्रॉन बोल रहा हूं, चार्ज पार्टिकल को एक्सलरेट करती है इन अ साइकिल। हर साइकिल में एक्सलरेट होती है, यहां भी वही कहानी है। देखो सिंपल एक कंसर्न है, देखो कोई भी एक्सलरेटर हो, चाहे मैं साइक्लोट्रॉन की बात करूंगा, चाहे भी मैंने आपको लीनियर एक्सलरेटर का कंसेप्ट बताया मेरे बच्चे, दोनों में मेन बात यह कि जितना लॉन्गर टाइम तक वो फील्ड में रहेगा, जितनी लॉन्गर टाइम तक फील्ड में रहेगा मेरे बच्चे, वो उतनी ज्यादा एक्सलरेट होगी। तो साइक्लोट्रॉन में ये जो साइकिल आपको दिख रहा है ना, यहां पर साइक्लोट्रॉन में जो साइकिल आपको दिख रहा है बेटा, इसको हम अगर हम ध्यान से देखें तो साइकिल का मतलब है मेरे बच्चे कि यहां पर चार्ज पार्टिकल को साइकिल में हम एक्सलरेट कराते हैं। तो सबसे पहले समझिए बेटा कि साइक्लोट्रॉन क्या है। तो मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूं कि साइक्लोट्रॉन एक डिवाइस है बेटा जो चार्ज पार्टिकल को एक्सलरेट करने में यूज होती है। आई एम रिपीटिंग अगेन, द साइक्लोट्रॉन इज अ डिवाइस which is used to accelerate the charged particle. साइक्लोट्रॉन एक डिवाइस है बेटा जो चार्ज पार्टिकल को एक्सलरेट करने में काम आती है। तो देखो मेरे बच्चे, मैं लिख देता हूं यहां पर कि what is a cyclotron? तो it is a device. साइक्लोट्रॉन बेसिकली आपकी एक डिवाइस है which is used to accelerate the charged particle at very high speed, जिसका यूज चार्ज पार्टिकल को एक्सलरेट करने में किया जाता है बेटा बहुत ही हाई स्पीड से। यह तो साइक्लोट्रॉन का आपका इंट्रोडक्शन हुआ। जब भी कोई डिवाइस हमें लिखनी होती है मेरे बच्चे, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उस डिवाइस का इंट्रोडक्शन देते हैं। यह हमारा सबसे पहला काम होता है कि अगर आप डिवाइस बता रहे हैं तो सबसे पहले आप उसका इंट्रोडक्शन दें कि साइक्लोट्रॉन एक डिवाइस है जिसका यूज चार्ज पार्टिकल को एक्सलरेट करने में किया जाता है एट वेरी वेरी हाई स्पीड। क्लियर मेरे बच्चे, है ना। अब देखो बेटा, यार कोई भी अगर डिवाइस है तो हर डिवाइस किसी ना किसी एक प्रिंसिपल पे वर्क करती है। हर एक डिवाइस किसी ना किसी प्रिंसिपल पे वर्क करती है बेटा। तो साइक्लोट्रॉन भी एक प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो साइक्लोट्रॉन किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है मेरे बच्चे, मैं उसके बारे में बात करूंगा। तो साइक्लोट्रॉन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल, a cyclotron works on the principle
एक साइक्लोट्रॉन जो बेटा एक प्रिंसिपल पे वर्क करता है, अ साइक्लोट्रॉन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ रिवॉल्यूशन। साइक्लोट्रॉन जिस प्रिंसिपल पे काम करता है मैं उसके बारे में बात करूंगा बेटा। साइक्लोट्रॉन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ रिवॉल्यूशन इज इन सर्कुलर पाथ इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट टू इट्स स्पीड और काइनेटिक एनर्जी। तो ये आपका मेरे बच्चे प्रिंसिपल है, ध्यान से समझना इस बात को बेटा कि साइक्लोट्रॉन क्या है। तो पहले इस बात को समझो, तो साइक्लोट्रॉन क्या, मैं इस बात को एक्सप्लेन कर चुका बेटा कि साइक्लोट्रॉन एक डिवाइस है जिसका यूज एक चार्ज पार्टिकल को एक्सलरेट करने में किया जाता है एट वेरी हाई स्पीड। या साइक्लोट्रॉन किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ऑन व्हाट प्रिंसिपल द साइक्लोट्रॉन वर्क। तो अ साइक्लोट्रॉन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल, साइक्लोट्रॉन इस प्रिंसिपल पे काम करता है बेटा कि जो फ्रीक्वेंसी है रिवॉल्यूशन की इन द सर्कुलर पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। जब एक चार्ज पार्टिकल, ये बात मैंने आप बच्चों को पहले भी बताया हुआ है, आप सब बच्चों ने कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फोर्स में पढ़ा ये बात कि अगर एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, मेरे बच्चे, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसकी स्पीड और काइनेटिक एनर्जी पे इंडिपेंडेंट होती है। मैं आपको लिख देता हूं, दैट इज द फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू QB by 2 pi m। आप इसे साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं, आप इसे क्या कह सकते हैं बेटा, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। ये इस प्रिंसिपल पे काम करता है बेटा। अब ये प्रिंसिपल किस तरीके से वर्किंग को एक्सप्लेन करता है, अनडाउटली इसकी वर्किंग इसी प्रिंसिपल पर। यार प्रिंसिपल क्या है, जिसपे डिवाइस की वर्किंग बेस्ड हो, जिसपे डिवाइस की वर्किंग बेस्ड है आप उसी को प्रिंसिपल कहते हैं बेटा। तो साइक्लोट्रॉन जिस प्रिंसिपल पे वर्क करता है वो प्रिंसिपल है कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन, जो रिवॉल्यूशन की जो फ्रीक्वेंसी है वो स्पीड और काइनेटिक एनर्जी से इंडिपेंडेंट होती है। ये फॉर्मूला आप देख पा रहे हैं, ये फ्रीक्वेंसी पे ना तो कहीं वेलोसिटी इन्वॉल्व है ना ही कहीं आपकी काइनेटिक एनर्जी इन्वॉल्व है। अब देखो बेटा साइक्लोट्रॉन के कंस्ट्रक्शन में बेसिकली क्या होता है, वॉट इज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ साइक्लोट्रॉन। यार साइक्लोट्रॉन के कंस्ट्रक्शन में बेसिकली क्या है, ध्यान से समझते हैं। कि व्हाट इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ द साइक्लोट्रॉन, साइक्लोट्रॉन का कंस्ट्रक्शन क्या होता है मेरे बच्चे। तो बहुत ही इजी सा कंस्ट्रक्शन है, ध्यान से समझना, बहुत ही बेसिक कंस्ट्रक्शन मेरे बच्चे। साइक्लोट्रॉन में दो आपके कंस्ट्रक्शन ऑफ साइक्लोट्रॉन की बात करें तो साइक्लोट्रॉन के कंस्ट्रक्शन में दो होलो मेटेलिक डी शेप का एक बॉडी होता है, दो होलो मेटेलिक डी शेप की एक बॉडी होती है। ये होलो मेटेलिक शेप बॉडी है, ये क्या है मेरे बच्चे, तो आपको बता दूं कि इट इज द होलो मेटेलिक बॉडी, ये एक होलो मेटेलिक बॉडी है, ठीक है मेरे बच्चों। अब मैं आपको एक बात बता दूं, ये आपका मेटेलिक बॉडी बहुत ही ज्यादा होलो है ना, और ये एक्चुअल में आपको डी शेप की तरह दिख रहे हैं। ये जो आपको बॉडी दिख रही है मेरे बच्चे वो आपकी डी शेप की बॉडी है। अगर ये डी शेप की बॉडी मेरे बच्चे, इस वजह से आप इसे नाम देते हैं सर डीज, आप इसे क्या नाम देते हो बेटा, तो इसे आप डीज का नाम देते हैं। इट इज द होलो मेटेलिक बॉडी, ये होलो शेप की एक मेटेलिक बॉडी है।
यही वजह है कि आप इसे डीज कहते हो, और ऐसा कोई लॉजिक नहीं है कि डीज कोई नई चीज है यार, कोई नई बात इसमें डीज ऐड हो, ऐसा कुछ नहीं है। यहां पर एक होलो मेटेलिक बॉडी है जो डी लेटर की तरह आपको दिख रहा है मेरे बच्चे, दैट्स व्हाई आप इसे कहते हैं डीज, और कोई लॉजिक इसमें नहीं है। ठीक है बेटा, अब देखो बेटा आपको होलो मेटेलिक से बॉडी होगी, आपने क्या किया, इस डीज को आप कनेक्ट करते हैं, आप इस डीज को कनेक्ट करते हैं बेटा एक हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर के साथ, आप इस डीज को कनेक्ट करते हो मेरे बच्चे एक हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर के साथ, मतलब कि एक एसी पावर वोल्टेज के साथ, एक एसी पावर वोल्टेज के साथ मैं इसे कनेक्ट करता हूं। तो साइक्लोटोन के कंस्ट्रक्शन में उनको दो बातें बताई, पहली एक होलो शेप मेटेलिक बॉडी होगी बेटा, ये होलो शेप मेटेलिक बॉडी एक्चुअली आपको डी अल्फाबेट के डी लेटर से मिलता जुलता है, यही वजह है कि आप इसे डीज कहते हो। क्लियर मेरी बात? ठीक है, अब देखो मेरे बच्चे मैं आपको बता दूं कि ये दोनों डीज एक हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर से जुड़े हुए हैं, ये दोनों जो डीज है बेटा ये जुड़े हुए हैं एक हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर के साथ। क्लियर मेरे बच्चे? इसमें कोई तकलीफ, मतलब कि एक आपका एसी वोल्टेज है, ये एक आपके एसी वोल्टेज से कनेक्टेड है। एसी वोल्टेज मतलब ये हुआ मेरे बच्चे कि एक टाइम पर ये, अगर मान लो कि अगर आपकी डीज अगर एक टाइम पर पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो किसी एक फिक्स इंटरवल के बाद आपका ये वाला जो एंड है बेटा वो आपका नेगेटिव हो जाएगा, है ना। तो ये आपका एसी वोल्टेज है जिसे आप चैप्टर 7 में जाकर डिस्कस भी करेंगे, आप इसे चैप्टर 7 में जाकर डिस्कस भी करोगे, ये आपका बेसिक सा कंस्ट्रक्शन है। हम क्या करते हैं बेटा, इन दोनों डीज पे एक परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड सेट करते हैं, इन दोनों डीज के ऊपर एक परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड हम सेट करते हैं। कैसे मेरे बच्चे? तो ये देखिए, आपको मान लो कि ये डीज है मेरे बच्चे, मैं इसे डीज कहता हूं, ये अगर डीज है, यहां पर मैंने मैग्नेट का नॉर्थ पोल रखा और इसके नीचे आपने मैग्नेट के साउथ पोल को फेस किया, तो बेटा नॉर्थ पोल यहां रहा बेटा और ये आपका नॉर्थ पोल है, ये आपके मैग्नेट का साउथ पोल है मेरे बच्चे। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो नॉर्थ से साउथ इस प्लेन के परपेंडिकुलर आएंगे। तो हमने क्या किया बेटा कि यहां पर हमने फील्ड की एक अरेंजमेंट बनाई, हमने यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड सेटअप किया, दैट मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, ये जो आपको मैग्नेटिक फील्ड दिख रहा है बेटा वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, राइट। अब देखो मेरे बच्चे आपको पता है ये बात, ये आपकी होगी बेटा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हमने यहां पर सेट किया, ये आपकी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। अब यहां पर है क्या, तो सुनो मेरी बात को ध्यान से, यहां पर मैंने इस विकिनिटी में ये जो गैप आप देख रहे हैं इन दोनों डी से बॉडी के बीच, जो आप गैप देख रहे हो मेरे बच्चे, इस गैप पे आपको एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को प्लेस करना है जो एक चार्ज पार्टिकल को एमिट करेगी। साइक्लोट्रॉन में अगर बात करें बेटा, इन दोनों ये जो आपको डीज दिख रहा है बेटा, इन दोनों डीज के बीच जो गैप है, इन दोनों डीज के बीच जो गैप है मेरे बच्चे, इस गैप पे आपने एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को या किसी भी एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को प्लेस किया जो चार्ज पार्टिकल को एमिट कर रही है। तो बड़ा बेसिक सा कंस्ट्रक्शन है साइक्लोट्रॉन की, इतना कोई वास्ट कंस्ट्रक्शन नहीं है। अब जरा मैं आता हूं मेरे बच्चे वर्किंग ऑफ साइक्लोट्रॉन पे, यार साइक्लोट्रॉन की वर्किंग क्या है, किस तरीके से साइक्लोट्रॉन वर्क करता है। मैं आप बच्चों को बता दूं कि साइक्लोट्रॉन की वर्किंग जिस प्रिंसिपल पे बेस है मेरे बच्चे, वो प्रिंसिपल ये रहा, साइक्लोट्रॉन की वर्किंग जिस प्रिंसिपल पर बेस्ड है बेटा, वो प्रिंसिपल आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। क्या प्रिंसिपल है यार? साइक्लोट्रॉन इस प्रिंसिपल पे काम करता है कि एक चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रही है, अगर एक चार्ज पार्टिकल अगर एक मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रही है मेरे बच्चे, तो उस पर कोई भी उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी, उसका जो फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन होगा बेटा वो इंडिपेंडेंट होगा, जो फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन है वो इंडिपेंडेंट होगा मेरे बच्चे किसके, काइनेटिक एनर्जी और स्पीड के, इसके बारे में आपको ध्यान रखना। अब चलिए सर मैं आता हूं बेटा वर्किंग ऑफ साइक्लोट्रॉन, कि साइक्लोट्रॉन किस तरीके से वर्क करता है मेरे बच्चे, तुम ध्यान से समझना बच्चों, आप इसको तुम ध्यान से समझना कि साइक्लोट्रॉन किस तरीके से वर्क करता है, ठीक है, ऑन व्हाट प्रिंसिपल। तो मुझे पता है
अब मैं ये बात करने जा रहा हूं कि साइक्लोट्रॉन किस तरीके से वर्क करता है मेरे बच्चे। तो मैं कहता हूं यार कि साइक्लोट्रॉन में आपके दो डीज होते हैं, ये देखिए बेटा ये मैंने दो डीज बना दिए, ठीक है। डीज यार कोई नई चीज नहीं है, आपको बार बार बता दूं कि डीज कोई नई चीज नहीं है बेटा, डीज एक्चुअल में ये आपको इंग्लिश अल्फाबेट की तरह दिखता है मेरे बच्चे, डी लेटर से, इस वजह से इसे डीज का नाम देते हैं, राइट। ये आपका होलो मेटेलिक शेप बॉडी है, ये आपका क्या बेटा, ये आपका होलो मेटेलिक शेप बॉडी है। हमने क्या किया बेटा, इन दोनों डीज के परपेंडिकुलर एक मैग्नेटिक फील्ड सेट कर दी। मैंने क्या किया, इन दोनों डीज के परपेंडिकुलर मैंने एक मैग्नेटिक फील्ड को सेट कर दिया, इन दोनों डीज के परपेंडिकुलर। तो इन दोनों डीज के परपेंडिकुलर आपकी एक मैग्नेटिक फील्ड है, इन दोनों डीज के परपेंडिकुलर एक मैग्नेटिक फील्ड है। अब देखो बेटा मैंने इसके साथ क्या किया है कि इन दोनों डीज को कनेक्ट किया है मेरे बच्चे एक हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर के साथ। इन दोनों डीज को आपने जोड़ा है मेरे बच्चे एक हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर के साथ, देख पा रहे बच्चे तरीके से, इन दोनों डीज को मैंने एक हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर से कनेक्ट किया। यार ये हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर क्या है मेरे बच्चे, तो एक एसी वोल्टेज है। मान लो कि टी इक्वल टू जीरो सेकेंड पे, मान लो टी इक्वल जीरो सेकेंड पे अभी फिलहाल ये जो आपको दिख रहा है बेटा, ये जो आपकी मेटेलिक बॉडी है ये जुड़ी हुई है सर ये आपके बैटरी के इस सोर्स के पॉजिटिव से, तो अनडाउटली ये वाला सोर्स आपका क्या होगा बेटा, नेगेटिव होगा, है ना। तो अगर ये बॉडी आपकी पॉजिटिव है, जो भी एक्सेस चाह रहा है वो बताए यार, होलो मेटेलिक है, मेटेलिक बॉडी चाहे होलो हो चाहे मेटेलिक बॉडी आपका सॉलिड हो, जो भी चार्ज होता है मेरे बच्चे वो सब उसके सरफेस पे आता है। तो यहां पर ये वाली जो चार्ज है बेटा वो पॉजिटिव होगी, ये वाला सरफेस पॉजिटिव चार्ज है, ये सरफेस आपकी नेगेटिवली चार्ज है मेरे बच्चे। तो यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो गया, यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया मेरे बच्चे, क्लियर है बात। क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इस डायरेक्शन में आंसर नहीं मेरे बच्चे, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रिवर्स होगी क्योंकि आपका जो सोर्स है वो आपका एक एसी सोर्स है मेरे बच्चे। अब देखिए यहां पे क्या किया हमने, तो यहां पर हमने एक कनेक्ट किया मेरे बच्चे, यहां पर हमने रख दिया एक सोर्स, यहां पर एक कोई सोर्स है जो कुछ चार्ज पार्टिकल को एमिट कर रही है, यहां पर ये आपका एक सोर्स है बेटा, ये आपका सोर्स है। ये सोर्स कौन है भाई, तो मैं इसके कलर से इसको लिख दूं, ये सोर्स आपका यहां पर एस है, ये जो सोर्स है बेटा ठीक है, ये एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को इट एमिट्स पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। ये क्या कर रहा है बेटा, तो ये आपकी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को एमिट कर रही है, इट एमिट्स द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, क्लियर है। तो यहां पर आपने एक चार्ज पार्टिकल को प्लेस किया, मैंने इस चार्ज पार्टिकल का नाम यहां दे देता हूं बेटा, इस चार्ज पार्टिकल का नाम यहां दे देता हूं मैं क्यू, ठीक है, ये आपकी चार्ज पार्टिकल है। अब सब बच्चों दिख रही होगी, ये यहां पर आपका चार्ज पार्टिकल है बेटा क्यू। अब मैंने क्या किया, इस क्यू चार्ज पार्टिकल को जब हम इस विक्निटी में रखेंगे, है ना, तो आपको पता है मेरे बच्चे ये चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मूव करेगा। ये जो चार्ज पार्टिकल है, बोलोगे कि सर यहां तो मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो यार इसकी गैप, ये जो विग्निटी आपको दिख रहा है, जो गैप आपको दिख रहा है मेरे बच्चे, ये गैप बहुत बहुत कम है मेरे प्यारे बच्चों। जो गैप आपको दिख रहा है इस साइक्लोट्रॉन के डीज के बीच का, ये जो गैप आपको दिख रहा है बेटा, ये गैप इतनी ज्यादा कम है कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी बहुत स्ट्रांग है मेरे बच्चे, इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी बहुत स्ट्रांग है। और मैं आपको बता दूं कि यार इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होता है ना, वो हमेशा
मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड से लाइट की स्पीड से ज्यादा होता है, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा अगर किसी रीजन में अगर दोनों फोर्सेस प्रेजेंट है, अगर आपका इलेक्ट्रिकल फोर्स भी प्रेजेंट है आपका मैग्नेटिक फोर्स भी प्रेजेंट है मेरे बच्चे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड से लाइट की स्पीड टाइम ज्यादा होता है मेरे बच्चे। इस विकनिटी में दोनों फील्ड प्रेजेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, बट ये चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में रिस्पॉन्ड करेगा क्योंकि इस विकनिटी में इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या मेरे बच्चे ज्यादा है। तो यार इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ये चार्ज पार्टिकल है, ये आपके इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, मैं इसे कहता हूं ये आपका D1 और ये आपका D2, ये चार्ज पार्टिकल D1 से D2 में एंटर करेगा, ये चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेगा मेरे बच्चे, ये चार्ज पार्टिकल एंटर करेगा कहां मेरे बच्चों, तो ये एंटर करेगा D1 से D2। जब ये चार्ज पार्टिकल D1 से D2 में एंटर होगा तो मेरे बच्चे ये आपका होलो मेटेलिक बॉडी है, इस मेटेलिक बॉडी में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, जीरो। अब जरा देखो आप कि ये चार्ज पार्टिकल जो है यहां पर देखिए, मैं इसको इनलार्ज व्यूज का बना के दिखाता हूं आपको, ये आपका गैप है, एकदम ध्यान से समझना पड़ेगा, ये आपका गैप है, ये आपका प्लस है, ये आपका माइनस है, मैं इसका एच दिखा रहा हूं मैं आप बच्चों को, ठीक है, मैं इसका एक एच व्यू आपको दे रहा हूं मेरे बच्चे, इसका एच व्यू आपको ऐसा दिखेगा, ये प्लस और ये माइनस, ये आपका चार्ज पार्टिकल है, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है जी, ये चार्ज पार्टिकल यहां से वी वेलोसिटी से इस जगह एंटर होगा। अब यहां पे आपकी फील्ड क्या है, तो यहां पर आपकी फील्ड परपेंडिकुलर है मेरे बच्चे, तो आप देखो इस पर फोर्स कहां लगेगा, आप समझ सकते हैं इस बात को कि आपका जो फोर्स यहां पर लगेगा मेरे बच्चे, ये फोर्स कहां लगेगा बेटा, तो इस जगह पर सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड है, यहां पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मेरे बच्चे, तो यहां पर इस चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी वेक्टर के ऊपर हम देखें, तो इस वेलोसिटी वेक्टर के भी आप पर इस चार्ज पार्टिकल, जैसे ये चार्ज पार्टिकल यहां एंटर हुआ, ये आपकी वेलोसिटी वेक्टर है चार्ज पार्टिकल की, इस पे मैग्नेटिक फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा मेरे बच्चे, तो ये अपने रास्ते को ऐसे बेंड कर देगा, ये आपकी बना लेगा सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री, क्या बनेगा बेटा, तो सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री बना लेगा, ये आप सब बच्चों को पता है कि ये सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री क्यों बनाएगा, इसका लॉजिक आप सभी बच्चों को बहुत अच्छे से पता है। तो यहां पर मेरे बच्चे ये चार्ज पार्टिकल ऐसे सर्कल बनाते हुए यहां पर पहुंचेगा। अब देखो मेरे बच्चे, अब देखो मैंने क्या कहा आपको, साइक्लोट्रॉन एक डिवाइस है जो चार्ज पार्टिकल को एक्सलरेट करने में काम आती है, जिस प्रिंसिपल पे काम करती है बेटा, जिस प्रिंसिपल, जिस फैक्ट पे साइक्लोट्रॉन वर्क करती है, मैं उस फैक्ट के बारे में बता रहा हूं मेरे बच्चे यहां पर। ये देखो बेटा, जैसे ये चार्ज पार्टिकल यहां पर वी वेलोसिटी एंटर हुआ, तो आपको पता है मेरे बच्चे कि जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में होगा तो चार्ज पार्टिकल की स्पीड में कोई भी चेंज नहीं होगी, तो यहां पर चार्ज पार्टिकल वी स्पीड से एंटर, तो यहां पर स्पीड वी होगी मेरे बच्चे, लेकिन जैसे ये चार्ज पार्टिकल यहां पहुंचेगा तो हम क्या करते हैं मेरे बच्चे कि चार्ज पार्टिकल के यहां पहुंचने का टाइम हमेशा फिक्स्ड होगा, चार्ज पार्टिकल के यहां पहुंचने का टाइम, मतलब कि चार्ज पार्टिकल जितने टाइम में सेमी सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री कंप्लीट करेगा उतने ही टाइम में ये अपनी, ये जो आपको हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर दिख रहा है मेरे बच्चे, जितने टाइम पर ये चार्ज पार्टिकल सेमी सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री को कंप्लीट करेगा उतने ही टाइम पर मेरे बच्चे ये जो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर को दिख रहा है ये अपनी पोलैरिटी को रिवर्स कर देगा। इस बारे में समझना, इस बात को ध्यान से मेरे बच्चों, है ना, हम इसकी जो टाइम पीरियड सेट करते हैं मेरे बच्चे, ये जो पोलैरिटी रिवर्स करने का जो टाइम है, हम इसके जैसे मान लो कि ये अपना एक सेमी सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री अगर 10 सेकंड में कंप्लीट कर रहा है, तो मैं इसे इस तरीके से सेट करता हूं मेरे बच्चे कि ये भी अपनी पोलैरिटी 10 सेकंड में चेंज कर ले, तो जैसे यहां पहुंचेगा बेटा ये माइनस था, ये पोलैरिटी प्लस हो जाएगी, और ये प्लस पोलैरिटी, ये हो जाएगा माइनस, इस बात को समझो, जो पोलैरिटी वो तुरंत रिवर्स हो गई बेटा, तो ये आपका प्लस हो गया, ये आपका माइनस हो गया मेरे बच्चे, तो ये देखिए आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये देखिए आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जैसे ये चार्ज पार्टिकल दोबारा इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, इस वेकनिटी में एंटर होगा,
जब दोबारा पार्टिकल विग्निटी में एंटर होगा मेरे बच्चे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसे दोबारा एक्सलरेट करेगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अगर चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसे एक्सलरेट करेगा मेरे बच्चे। किस मैग्नीट्यूड से? एफ इक्वल्स टू क्यू इंटू ए, तो एफ इक्वल्स टू एम ए, इक्वल्स टू क्यू बाय एम। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सलरेशन बाय विच इट एक्सलरेट द चार्ज पार्टिकल। ये आपके एक्सलरेशन का मैग्नीट्यूड है जो चार्ज पार्टिकल को एक्सलरेट करेगी। तो मेरे बच्चे ये एक्सलरेट हुआ। अब एक्सलरेट होने के बाद जब ये दोबारा इस डीज में एंटर होगा बेटे, ये डीज में एंटर होगा, यहां पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। अब जब ये यहां पर एंटर हुआ है मेरे बच्चे, तो इसकी वेलोसिटी बढ़ चुकी है। जब इसकी वेलोसिटी बढ़ गई मेरे बच्चे, अनडाउटली इसका रेडियस भी बढ़ जाएगा। लेकिन क्या इसका टाइम पीरियड बदलेगा? क्या इसकी फ्रीक्वेंसी बदलेगी? याद करो साइक्लोट्रॉन का यही प्रिंसिपल है। क्या इसकी फ्रीक्वेंसी बदलेगी? नहीं मेरे बच्चे, इसका वेलोसिटी बदलेगा, इसका रेडियस बदलेगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी? सेम, अभी भी ये उसी टाइम पर पहुंचेगा। जैसे इस टाइम पे यहां पहुंचा बेटा, फिर इसको पोलैरिटी रिवर्स मिल जाएगी, ये मिल जाएगा प्लस, ये मिल जाएगा माइनस। तो दोबारा फिर ये यहां आएगा, फिर दोबारा एक्सलरेट होगा, फिर इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, फिर इस बार ये लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा मेरे बच्चे, लेकिन इस जगह पर सेम टाइम पर पहुंचेगा। तो बताओ मेरे बच्चे, इसको एक्सलरेट कराने में, इसको एक्सलरेट कराने में किसका सबसे ज्यादा रोल है? तो मेरे बच्चे आंसर है इलेक्ट्रिक फील्ड का। बट इलेक्ट्रिक फील्ड को, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कौन कर रहा है बेटा? सही टाइम पर, सही टाइम पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कौन कर रहा है? आंसर है हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। ये हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर इस पार्टिकल को सही टाइम पर एक्सलरेशन दे रहा है मेरे बच्चे। इस एक्सलरेशन से पार्टिकल की स्पीड तो बदल रही है बट फ्रीक्वेंसी सेम है, जिस वजह से यहां पर तो स्पीड बदली लेकिन यहां पर सही टाइम पे पहुंचा, पोलैरिटी इसको रिवर्स मिला, दोबारा ये इस विग्निटी में एंटर होगा और दोबारा विग्निटी एंटर होने के बाद दोबारा फिर एक्सलरेट होगी मेरे बच्चे। इसका मतलब देखो, जो प्रिंसिपल था, जिस फैक्ट पे साइक्लोट्रॉन काम कर रहे, वो यही तो थी कि स्पीड बदलने से फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती मेरे बच्चे। अगर स्पीड बदलने से अगर फ्रीक्वेंसी बदल रही होती तो क्या हर टाइम पर, क्या उसे हर टाइम पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिलती मेरे बच्चे? नहीं, हर टाइम पर मुझे इसकी फ्रीक्वेंसी बदलनी पड़ती। यार ऐसा कभी पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो साइक्लोट्रॉन इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। साइक्लोट्रॉन ने इस बात को देखा, जो भी साइक्लोट्रॉन ने, जिसने डिजाइन किया था साइक्लोट्रॉन ने, वो इस चीज को समझ चुका था कि मैग्नेटिक फील्ड अगर हम चार्ज पार्टिकल को चलाएं तो बेटा उसके स्पीड से उसकी फ्रीक्वेंसी फर्क नहीं बदलता। मान लो ये पार्टिकल यहां पहुंचा तो बेटा कोई भी यहां पहुंचा, दोबारा बड़ी सर्कल चलेगा, फिर और बड़ी सर्कल चलेगा, लेकिन हर बार यहां पर सेम टाइम पर ही पहुंचेगा। हर बार इसकी सर्कल बड़ी होगी लेकिन ये हर बार यहां पर सेम टाइम पे पहुंचेगा, जिस वजह से जैसे यहां पहुंचता है इसको पोलैरिटी रिवर्स मिलती है, इलेक्ट्रिक फील्ड का इसको डायरेक्शन मिलता है मेरे बच्चे, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसे एक्सलरेट कर देती है। तो जो बात मैंने आपको पहले बताया था, जिस फैक्ट के बात कर रहा था मेरे बच्चे, वही वर्किंग, उसी फैक्ट पे आपको ये साइक्लोट्रॉन की वर्किंग आपको यहां पे दिख रही है। तो होपफुली आप बच्चों को साइक्लोट्रॉन का वर्किंग समझ में आया होगा मेरे बच्चे। तो ये देखिए साइक्लोट्रॉन, मैंने स्टार्टिंग में बात ही बोला था सब बच्चों को, मैंने साइक्लोट्रॉन को ये बात समझाते हुए मैंने ये बात सब बच्चों को बताया था कि यार साइक्लोट्रॉन जो मेरे बच्चे है ना, साइक्लोट्रॉन में चार्ज पार्टिकल एक्सलरेट तो होता है, लेकिन साइक्लोट्रॉन में चार्ज पार्टिकल का जो एक्सलरेशन है वो इसको घुमा घुमा के होता है मेरे बच्चे। पार्टिकल को हर साइकिल में, एक साइकिल मेरे बच्चे एक बार इसमें रोटेट हुआ तो उसकी जितनी बार ये यहां आएगा, जितनी साइकिल ये इस विग्निटी में ट्रेवल करेगा बेटा, जितनी बार ये इस विग्निटी से क्रॉस करेगा बेटा, उसकी वेलोसिटी उतनी बार बढ़ेगी। इस बारे में ध्यान से समझना है। तो साइक्लोट्रॉन इसी प्रिंसिपल पे काम करता है मेरे बच्चे कि साइक्लोट्रॉन, इस वजह से साइकिल लिखा है मेरे बच्चे इसके आगे, क्योंकि इसकी स्पीड जो वो हर साइकिल में चेंज होगी, इसकी स्पीड हर साइकिल में चेंज होगी। प्लीज कीप योर माइंड, सभी बच्चे इस बात को माइंड में रखें कि हर साइकिल में इसकी स्पीड बढ़ेगी। क्लियर है? तो इसकी वर्किंग आप सब बच्चों को समझ आई मेरे बच्चे। अब ये चार्ज पार्टिकल एक्सलरेट करते करते जब इसका रेडियस डीज के रेडियस के बराबर हो जाएगा, जब इसका रेडियस डीज के रेडियस बराबर हो जाएगा मेरे बच्चे, तो हम क्या करते हैं कि यहां पर एक ऐसा विंडो लगा देते हैं बेटा, यहां पर एक ऐसी एक विंडो लगा देते हैं, इस विंडो से ये चार्ज पार्टिकल बाहर निकलते हैं। यहां पर एक विंडो होती बेटा, जिस विंडो से ये चार्ज पार्टिकल जो वो बाहर फेंका जाता है। बात समझ रहे हो?
तो इस बात को समझो, आज का जो मैंने सेशन कंप्लीट किया है, इस सेशन में आपको बताया मेरे बच्चे कि साइक्लोट्रॉन क्या है। तो साइक्लोट्रॉन एक डिवाइस है जो चार्ज पार्टिकल को एक्सलरेट कराती है, पहली बात, ठीक है मेरे बच्चे। लेकिन साइक्लोट्रॉन ही मात्र ऐसा डिवाइस नहीं है, और भी डिवाइसेस हैं जो चार्ज पार्टिकल को एक्सलरेट कराती है। सर मेन कंसर्न ये है, जैसे आपको बताया, सब कुछ डिटेल में समझाया मेरे बच्चे, ठीक है, कि अगर चार्ज पार्टिकल को एक्सलरेट कराना है तो उसे इलेक्ट्रिक फील्ड में लॉन्गर टाइम तक रहना होगा। तो मेरे बच्चे बताइए, क्या यह चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में लॉन्गर टाइम के लिए रहता है? तो लॉन्गर टाइम के लिए नहीं रहा, बट लेकिन एक बात होता मेरे बच्चे कि जितनी बार ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उतनी बार ये एक्सलरेट होगा मेरे बच्चे। तो अनडाउटली इससे इलेक्ट्रिक फील्ड बार बार ला कौन रहा है? तो आंसर है हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। इसे घुमा कौन रहा है मेरे बच्चे? आंसर है मैग्नेटिक फील्ड। तो इसे इस जगह पर रख कौन रहा है, इसे चला कौन रहा है मेरे बच्चे, घुमा कौन रहा है इसे बार बार? तो इसे घुमा रहा है आपका मैग्नेटिक फील्ड, और एक्सलरेट कौन कर रहा है मेरे बच्चे? आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। सिंपल कंसर्न, जितने टाइम तक आप एक एक्सलरेटिंग फील्ड में रहोगे, जितने टाइम तक, डिवाइसेस कोई भी हो, जितने टाइम तक आप एक्सलरेटिंग फील्ड में होंगे उतने ही टाइम तक आपका एक्सलरेशन बढ़ेगा। तो मेरे बच्चे आज का ये जो सेशन था, इस सेशन में आप सभी बच्चों को मैंने बताया है कि आपका साइक्लोट्रॉन क्या है, साइक्लोट्रॉन किस प्रिंसिपल पे काम करता है, साइक्लोट्रॉन का कंस्ट्रक्शन क्या है मेरे बच्चे, और साइक्लोट्रॉन की वर्किंग क्या है। जो नेक्स्ट क्लास में जब मेरी मुलाकात आप सभी बच्चों के साथ होगी, तो मैं बहुत इंपॉर्टेंट सेशन के साथ आप बच्चों से जुड़ूंगा। दैट इंपॉर्टेंट सेशन इज अबाउट द साइक्लोट्रॉन का जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है उसकी क्या होगी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगी साइक्लोट्रॉन जो में जो चार्ज पार्टिकल गेन करेगा मेरे बच्चे। नेक्स्ट क्लास में मेरी आप बच्चों से मुलाकात होगी, साइक्लोट्रॉन की यूज में आपको बताऊंगा, साइक्लोट्रॉन का लिमिटेशन मेरे बच्चे मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा। तो आज का ये जो सेशन था अबाउट द साइक्लोट्रॉन, आप यार मैक्सिमम टू मैक्सिमम इसे शेयर करो मेरे बच्चे, ताकि उन सभी बच्चों को समझ में आ सके कि साइक्लोट्रॉन एक्चुअल में क्या है। जिन बच्चों को भी डाउट है मेरे बच्चे, जिन बच्चों को भी तकलीफ है साइक्लोट्रॉन में, उन सभी बच्चों को आप जरूर शेयर करें। तो नेक्स्ट क्लास में आप सब बच्चों से मुलाकात होगी मेरे बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन के साथ। दैट सेशन इज अबाउट द यूज एंड द लिमिटेशन ऑफ द साइक्लोट्रॉन, ठीक है सर। न्यूज आपका जो नेक्स्ट जो आपका होगा मेरे बच्चे, इसमें हम बात करेंगे कि अप्लीकेशन ऑन द यूज ऑफ द साइक्लोट्रॉन इन द नेक्स्ट सेशन मेरे बच्चे। तो अगर नोटिफिकेशन बेल को प्रेस नहीं किया तो जाओ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करो, ताकि आपको नेक्स्ट क्लास का अपडेट आप बच्चों को मिल सके। टिल देन गुड बाय।